वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग और गुड मॉर्निंग गाइज। और आज हमारी सुबह हो रही है 8:30 पे, क्योंकि 8:30 पे तो सुबह तो हो चुकी है, बट 8:30 हो गए अभी और मैं हूँ रेडी स्कूल के लिए। तो अब चलते हैं स्कूल और घर वाले भी सारे चलेंगे अपने अपने काम को। तो आज मतलब धूप भी नहीं लगी है, मौसम देखो पूरा ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है। तो जल्दी जल्दी आ रहा, मतलब लेट भी हो रहा हूँ, तो आप स्कूल में करेंगे आपसे बात। गाइस मेरे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम भी हो चुका है। पहले मास्क उतार के बात करते हैं ना, मास्क पहनना भी क्या रखना है। स्कैम ये हो चुका है गाइस कि मेरी जो बैग की पीछे वाली जिप है ना, ये पूरी ब्रेक हो चुकी है। तो अब बाज़ार जाके पहले जिप भी चेंज कराएंगे, नहीं तो स्कूल में ऐसे जाके अच्छा नहीं लगेगा ना। तो उसके बाद तो मतलब कि जिप ब्रेक कराने के जिप लगवाने के बाद उसके बाद स्कूल जाएंगे। तो स्कूल में मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि फ़ोन अलाउ नहीं है और मैं फ़ोन लेके जाता हूँ। तो फिर शाम को करेंगे आपसे 3 बजे बात। तो जल्दी जल्दी पहले पहुंच जाते हैं बाज़ार। अब पहुंच चुके हैं मेन बाज़ार और हमारे साथ हैं हमारे फ्रेंड दिव्यांश, और मैंने तो बैग रख दिया है पीछे दुकान पे। इसे आज पहली बार कोई इधर कोई इधर वाला व्लॉग में। तो हम जा रहे हैं पहले बस स्टैंड को, क्योंकि अपने फ्रेंड्स को लेने जाना है ना। तो उनको लाने के बाद फिर उसके बाद डायरेक्ट चलेंगे अपने स्कूल को, फिर देखते हैं स्कूल में जाके तो व्लॉग शूट नहीं कर पाएंगे। तो मिलते हैं जल्दी बस स्टैंड में। अभी हम पहुंच चुके हैं अपने स्कूल के पास और स्कूल रहा हमारा, वहाँ पे जाके व्लॉग शूट नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैंने बताया है स्कूल में फ़ोन अलाउ नहीं है। तो जल्दी चलते हैं स्कूल, शाम को मिलते हैं अब आपको 3 बजे। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं स्कूल से, छुट्टी हो चुकी है गाइज, और मेरे पीछे चले हैं सब मेरे क्लासमेट, जितने भी मेरे क्लासमेट हैं। तो अब जल्दी जल्दी पद्दर पहुँचते हैं और पीछे हाय कर दो। अनसब्सक्राइब दिस चैनल। तो गाइस मतलब अभी पद्दर पहुंच जाते हैं जल्दी जल्दी, फिर करते हैं आपसे बात। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं डीएवी कॉलेज के पास और ये रहा पद्दर, इस साइड पद्दर है। तो आगे जाके दिखाते हैं आपको। गाइस थक लग गई है और आप पहुंच रहे हैं हम पद्दर से अपने घर, और घर भी पहुंचने ही वाले हैं। बस कोई बढ़िया 2 या 3 5 मिनट का रास्ता है, 5 मिनट चलने के बाद अपने घर पहुंच जाएंगे। तो घर पे पहुंचने के बाद खाने वाने खाते हैं, फिर आज भी रनिंग करने ही जाना है, वही डेली रूट, डेली दिन जैसे लाइफ जीता हूँ वैसे जी रहा हूँ। तो इंस्टाग्राम पे आज न्यू रील बनाऊँगा, तो इंस्टा पे डालूँगा, अपलोड करूँगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप मेरे चैनल ID को फॉलो कर देना और रील्स को अपना प्यार देना। तो जल्दी जल्दी पहुंचते हैं अब ऊपर घर। गाइस अब पहुंच चुके हैं हम घर और हमारे सुरजीत ब्रो वहां पे है जो व्लॉगिंग करते हैं। हाय कर दो। सो गाइस ये भी अपना व्लॉग कर रहे थे तो मैं भी घर पहुंच गया। तो इनका भी YouTube चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इनको भी फॉलो कर देना, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपना प्यार देना। और चलते हैं हम ऊपर पोल्टेक्स साइड चेंज चूज करने के बाद, खाना खाना खाने के बाद फिर वहाँ का ऊपर शूट करते हैं थोड़ा व्लॉग। गाइस कपड़े चेंज करने के बाद हो चुका है तुम्हारे ब्रदर का कुछ लुक पूरा चेंज, और अब जाएंगे हम खाना खाने। देखो यार ये बाल जो है ना, एक तो ये बैठते नहीं है ना, कटवाने पड़ेंगे, पर आज नहीं कटवाएंगे, थोड़े दिनों बाद कटवाएंगे। तो गाइस मतलब अब जाना है मैंने खाना खाने ना, उसके बाद ऊपर पोल्टेक नहीं जा रही क्योंकि ब्रदर बोल रहा है कि मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ पोल्टेक से, तो पोल्टेक तो मैं नहीं जाऊँगा और वो भी नहीं जाएंगे। तो अब हम जाएंगे, मैं पहले खाना खाऊँगा, ये तो खा बैठे हैं। तो खाना खाना खाते हैं उसके बाद फिर ये 4 बजे तक पढ़ाई करते हैं या स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद 5 बजे चलेंगे अपने रनिंग करने, शूज़ डाल लेंगे और उसके बाद यही जो है पहन होता है कि इसके मतलब इसको डाल के रनिंग करने जाएंगे। तो गाइस जल्दी जल्दी जाते हैं खाना खाने, मतलब खाना गर्म कर लेते हैं और खाना खाने चलते हैं। गाइस अब हम आ चुके हैं अपने नीचे, कहाँ पर आ चुके हैं जहाँ अभी हाथ धोने, क्योंकि बिल्ली को हाथ लगाया था ना और खाना भी नहीं खाया है, तो खाना खाने जा रहे हैं। और हम किचन में आ रहे थे गाइस, क्योंकि खाना तो किचन में ही होगा ना, गर्म भी किचन में ही करना पड़ेगा। और अभी खाना खुना गर्म कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं आपसे बात। पहले हाथ धोने हैं यार, हाथ भी बड़े गंदे हो गए हैं, और बिल्ली को पकड़ा हुआ था ना तो उसकी वजह से हाथ भी गंदे हो गए हैं। तो खाना खा लेते हैं फिर करते बात। मैं और ब्लॉगर साहब सुजीत ब्रो निकल चुके हैं घर से, और जो हमारे साथ मेरे साथ रनिंग करने जाते हैं ना गाइस, वो तो आ रहे हैं अभी पीछे पीछे दोस्तों, और मैं और भैया चल रहे हैं। पहले हमने जाना है
थोड़ी सी बहुत व्लॉगिंग करेंगे, उसके बाद मेरे को रनिंग करनी होती है तो मैं रनिंग करने लग पड़ूंगा और इको पार्क में रुकेंगे और उसके बाद चलेंगे हम नीचे को, मतलब रनिंग रनिंग कर लेते हैं। तो अभी जल्दी जल्दी पहुंचते हैं, हम कहाँ पहुंचते हैं, मतलब बाजार में डायरेक्ट पहुंचते हैं ना, बाजार में पहुंच के मिलते हैं आपसे। गाइस अभी व्लॉग शूट करते करते पहुंच चुका अपने बनीखेत के मेन बाजार और मेरे साथ है सुरजीत ब्रो, ये तो करेंगे अभी इको पार्क में व्लॉग शूट। और गाइस अभी तो पूरे बाजार में आपको व्यू दिखाते हैं और उसके बाद जल्दी जल्दी चलते हैं पद और दुकान से सामान लेने, उस सामान को लेने के बाद रनिंग करने जाएंगे और इको पार्क में ही रहेंगे तो ये वहाँ का व्लॉग शूट कर लेंगे। इस दुकान में जाएंगे क्योंकि यहाँ पे सामान लेना है हमको। इस दुकान में आए थे सामान लेने और सामान ले चुके हैं, ब्रदर के हाथ में सामान, तो अब जल्दी जल्दी चलते हैं पद्धर और पद्धर में भी थोड़ी ब्लॉगिंग करनी है। हम भी प्रॉपर वे से पहुंच चुके हैं बनीखेत के चौगान में गाइस, और यहाँ पे भी बड़ा मज़ा आने वाला है क्योंकि मज़ा तो ये करेंगे बट मैं तो जाऊँगा रनिंग करने, तो अपनी रनिंग करने के बाद जाएंगे चौगान को, तो शाम के टाइम तो क्या दिखाना, क्या माहौल होता है, कुछ भी नहीं, तो चलते हैं चौगान में। अभी आ चुके हैं हम अपने कहाँ पे, जो हम नारे बनीखेत का जो पार्क है ना इको पार्क, वहाँ आ चुके हैं और ये पूरे यहाँ का माहौल, तो फ्रंट पे जाके दिखाते हैं गाइज आपको। तो हमारे जो बनीखेत का बैक वाला दरवाज़ा है, मतलब मेन भी यही है, बैक भी यही है, बैक उस साइड है, मेन ये है। और गाइज ये जो दरवाज़ा है ये अभी बनने के लिए तैयार हो रहा है और यहाँ पर देखिए गाइज बिल्कुल ही क्या ही बना दिया इन्होंने। और जाए गाइज चलते हैं अंदर। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अब इको पार्क जो कि पीछे था इसका बोर्ड, और ये रहा अंदर का व्यू। पहले गाइस जब मैं छोटा होता था तब यहाँ पे इतना पानी होता था, इतना मज़ा आता था यहाँ पे घूमने के लिए, बट अब जो कि नहीं चलता है पानी और इन्होंने पूरा ही कबाड़ा कर दिया है गाइस हमारे बनीखेत के पार्क का गाइस। और ये छोटा सा पार्क है और यहाँ पर एक इसको बोलते हैं गाइस हमारी लैंग्वेज में बता, तो इसका पेड़ लगाया था इन्होंने, तो ये एक यहाँ पे है डमी, एक डमी यहाँ पे है गाइज। वहाँ से पानी आता था और वहाँ से निकलता था, ये भी इन्होंने आई थिंक खराब कर दिया है तो ये भी नहीं चलता, तो चलते हैं आगे। और यहाँ पे ये बेचारी, ये बहुत, मैं इनको बहुत दिनों से प्रपोज मार रहा हूँ पर ये मेरी बात सुनती नहीं, आई थिंक ये गिरने वाली है, तो आप आराम से बैठिए, आप गिरना मत, बस आराम से बैठिए, हम आपके साथ हैं। और मैंने प्रपोज मारा था उसकी सहेली रही है, पर गाइज ये भी बड़ी क्यूट है, दिल से बुरा लगता है यार आपके लिए, आप बोल नहीं सकते। और इनसे तो हम बात नहीं कर रहे क्योंकि मेरा और इसका ब्रेकअप हो चुका है, तो चलते हैं जल्दी आ गई वहाँ पे जाते हैं गाइज। मैं इस पे चढ़ने लगा हूँ तो पहले ऊपर जाते हैं जल्दी जल्दी और इस पर एक झूला खाते हैं, उसके बाद चल पड़ेंगे अपने रनिंग करने, जब तक मेरे भाई वगैरह नहीं होते हैं तब तक मैं लाइफस्टाइल व्लॉगर व्लॉगिंग कर रहा है। और गाइज मैं ये बैठ चुका हूँ और आप पहुँचते जल्दी नीचे, तो गाइज बड़ा ही मज़ा आ रहा है और गाइज नीचे पहुँच चुके हैं बट लेट भी चुके हैं यहाँ पर, और मज़ा भी बड़ा आया गाइज। और एक है हमारा घोड़ा यहाँ पे, तो यहाँ पे इनके देखते झूलते इसको। तो गाइज अब हम लगे हैं इस पर चढ़ने, जैसे कि मैंने पहले भी चढ़ चुका था पर अब दोबारा चढ़ रहा हूँ क्योंकि तब मैंने फ्रंट पे पकड़ा था, बैठ कर करके दिखाता हूँ। तो गाइज मैं सुपरमैन बनने ही वाला हूँ, ठीक
तो गाइस बड़े मज़े ले लिए यहाँ पे पार्क में, एक घंटे से खेल ही रहे थे, और अब यहाँ से लेने की आई है बारी विदाई की। तो यहाँ पे विदाई लेने के बाद रनिंग करने भी जाना है, तो उसके लिए भी स्टेमिना करना पड़ेगा थोड़ा। तो चलते हैं बाहर, इसके गर्लफ्रेंड को भी बाय बोलने का समय आ चुका है, जिसको बाय बोल के जा रहे हैं। सो मैं जा रहा हूँ, ठीक है, कल मिलेंगे, मिल के चल, तू भी कर, तू तो बोल ही नहीं सकती, तेरे को भी क्या बोलूँ। तो बाय सारो, चलते हैं, हम जा रहे हैं रनिंग करने, और हमारे फ्रेंड्स भी आ चुके हैं सारे, और अब हम मिलेंगे आपको रनिंग करने के बाद ही, जब यहाँ पे पत्थर पहुँचेंगे। हेलो गाइस, तभी मिलेंगे। अभी मंदिर में माथा मुसा टेक लेते हैं, फिर चलते हैं। हाँ, दे रस्ते भागते भागते ही सांस फूलने लग पड़ी है, जल्दी पहुँचते हैं पत्थर, फिर करते हैं बात आपसे। चुके हैं हम पत्थर जहाँ पे मतलब चौकान है हमारा, वहाँ पहुँच चुके हैं। तो अंदर जा रहे इको पार्क के अंदर, तो आप घर जाते जाते ही मिलते हैं आपसे। रात को भूत देख लिया है, तो दिखाता हूँ मैं क्या कर रहे हैं। दोबारा एक दो तीन, बोल दे चुप हो, बोलो बोलो। अभी हम आ चुके हैं पद्धर से, और इन्होंने डाला था यहाँ पे हमारे गाइस ने खिलारा, जो कि आपने देख ही लिया है। तो आप जल्दी जल्दी पहुँचते हैं अपने घर को। आज की रात में हमारे अभिषेक के घर में हो रही है, और हम सारे घर में बैठे हुए हैं। और आज की रात नहीं, दो दिन नहीं थे, आज इसके घर पे आए हैं। खाना तो खा लिया था अपने घर पे, तो अब इसके घर पे आए हैं, उसके बाद चलेंगे सोने। आपने मेरा आज का पूरा व्लॉग देख ही लिया है, और आपको अच्छा लगा अगर वीडियो करना है लाइक और चैनल करना है सब्सक्राइब, और डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे फॉलो भी कर देना, साथ वाले को भी कर देना। ये तो सो गया है, और एक बज चुका है रात का, और टाइम आप देख सकते गाइस, हाँ 1:33 हो गया गाइस। तो एक बज गया पूरा रात का, और मैं अभी लाइट वाइट ऑन करके कर रहा हूँ, क्योंकि लाइट भी चली गई है, तो फ्लैश ऑन करके कर रहा हूँ व्लॉग शूट। तो गाइज इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे कर रहा हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।